Good afternoon all, good afternoon Jai Hind. I hope all of you are doing good. So today in this session we'll effectively discuss a few very good questions that will be helpful for you in your upcoming CAPF, AFCAT and your CDS exam. So good afternoon all, good afternoon Jai Hind. I hope all of you are doing good. So good afternoon all of you who have joined me now, please do let me know. क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सो द सेशन विल बी इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, डोंट वरी. ठीक है, क्वेश्चन दोनों भाषाओं में आपको मिलेंगे, डोंट वरी. सो गुड आफ्टरनून राहुल, गुड आफ्टरनून तुषार, गुड आफ्टरनून ऑल. जो आप ये सेशन जो है सभी अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने टेलीग्राम्स ग्रुप्स का चैनल्स का आप लोग हिस्सा हैं, प्लीज डू शेयर दिस सेशन with your friends on all the Telegram channels, okay? ताकि ज्यादा से ज्यादा students जो हैं वो यहाँ पर अच्छी से अच्छी revision कर सकें. Good afternoon आरती, hello नेहा, good afternoon दिकेश, स्वाति, good afternoon all, good afternoon जय हिंद. चलिए तो आज का session start करते हैं. आज के session में questions जो हैं, मैं statement based questions भी लाया हूँ, वन लाइनर क्वेश्चंस भी लाया हूं, और इसके साथ साथ हम कई बार जो देखते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स जैसे असर्शन रीजन आ जाते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस में आज के सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं. क्लियर? सो गुड आफ्टरनून ऑल, गुड आफ्टरनून जय हिंद. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज के सेशन में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेशन क्वेश्चन. सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस सेशन, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विद रेफरेंस टू द इंडिजिनस लैंग्वेजेस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इंडिया हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ लिविंग इंडिजिनस लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, ओके, फॉलोड बाय चाइना एंड यूएसए. क्लियर? 2020 इज द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस. बताइए, हिंदी में भी देखिएगा, विच ऑफ दीज, प्लीज डू गो थ्रू देम एंड प्लीज डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर्स. ओके, अब देखिए यहां पर अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बतानी है. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग लैंग्वेजेस. ओके, तो करेंटली यहां पर इस्तेमाल की जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 840 लैंग्वेजेस हैं, दे आर नॉट इन इंडिया, इंडिया में नहीं है. ओके, एंड इट इज पापुआ न्यू गिनी. पापुआ न्यू गिनी हैज गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग इंडिजिनस लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. ओके, और इंडिया जो है, इंडिया स्टैंड्स ऑन फोर्थ नंबर, इंडिया में 453. क्लियर? 2020 is the United Nations International Year, so it is not 2020, but it is 2019. Clear? So both the statements here are incorrect and the answer is option D, neither one nor two. Clear? दोनों statements यहां पर गलत हैं. ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं. Which among the following statements with regard to the draft Food Safety and Standards Amendment Regulation 2020 is or are incorrect? बताइए, which among the following statements with regard to the Food Safety and Standards Amendment Regulation? First, the draft regulation was signed by Food Safety Standards Authority of India, which is an autonomous body under Ministry of Agriculture. Second, as per the draft regulation, plant-based milk industry could no longer use the word milk on their labels. बताइए, हिंदी में भी देखिएगा, और मैं कई बार देखता हूं कि mostly जो students ऐसे situations में answer mark करते हैं ना, कि both statements one and two are correct,
वो यूजुअली वो कैटेगरी है स्टूडेंट्स की जिन्हें कुछ नहीं आता, वो सिर्फ यहां पे आंसर्स जो हैं बिल्कुल ब्लाइंड गैसेस खेलते हैं। बताइए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। अब देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो आती है, दी ड्राफ्ट रेगुलेशन वॉज इशूड बाय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, तो पहली चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। क्लियर? सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस तरह के क्वेश्चन आप CDS और CAPF में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। क्लियर? सेकेंड, एज पर दी ड्राफ्ट रेगुलेशन मिल्क बेस्ड मिल्क इंडस्ट्री, प्लांट बेस्ड मिल्क इंडस्ट्री कुड नो लॉन्गर यूज दी वर्ड मिल्क। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्लियर? तो यहां पर ये कहा गया है कि आप लोग यहां पर मिल्क टर्म जो है, क्लियर, उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए आप डेयरी टर्म का इस्तेमाल कर सकते हो और जो सिमिलर टर्म्स हैं उनका। क्लियर? सो स्टेटमेंट टू आपकी ठीक है, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। ओके, एंड दस द आंसर इज ऑप्शन ए, गलत स्टेटमेंट आपसे पूछी गई थी। क्लियर? सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट वॉज आस्क्ड फ्रॉम यू, सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर? चलो नेक्स्ट। Which of the following is not correct about the difference between temperate and tropical cyclone? बताइए, बताइए। तो भाई चिंता मत करना, यहां पे एग्जाम की तैयारी में बहुत चीजें आएंगी आपको भटकाने के लिए, भटकना नहीं है, ठीक है, सख्त रहना है। डिस्ट्रैक्शन से नहीं डरना है। चलो, ए, द विंड वेलोसिटी इन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मच हायर एंड इट्स मोर डिस्ट्रक्टिव। बी, द टेम्परेट साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सी, द ट्रॉपिकल साइक्लोन अफेक्ट्स अ मच लार्जर एरिया एज कंपेयर टू द टेम्परेट साइक्लोन। डी, टेम्परेट साइक्लोन कैन ओरिजिनेट ओवर द लैंड एंड सी वेयर एज द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओनली ओवर द सीज। बताइए, हिंदी में भी देखिएगा, विच ऑफ दीज। बताइए, अरे सिद्धार्थ जी, बायलिंगुअल ही तो है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाएं आ रही हैं, बायलिंगुअल और किसे कहेंगे। चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट अब आपको इनकरेक्ट बतानी थी, ठीक। ओके, ए, द विंड वेलोसिटी इन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मच हायर एंड इट्स मोर डिस्ट्रक्टिव, बिल्कुल ठीक। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन जो है उनमें दे हैव गॉट अ फ्रंटल सिस्टम, ठीक है। तो टेम्परेट साइक्लोन्स जो हैं, दे हैव अ फ्रंटल सिस्टम विच इज नॉट इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ओके, इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन्स जो हैं, दे अफेक्ट अ मच लार्जर एरिया इन कंपैरिजन टू द ट्रॉपिकल वंस। ओके, बी, द टेम्परेट साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर? See, the tropical cyclones affects a much larger area as compared to the temperate ones. So, this is incorrect. ठीक है? अब यहां पर आप ये देखेगा कि जो tropical cyclones है, okay, it the situation is reverse. Okay, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि wind velocity in a tropical cyclone is much higher and thus it is more destructive. ओके, टेम्परेट साइक्लोन्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें अगर हम देखते हैं, दी टेम्परेट साइक्लोन्स, ओके,
They cover a large area and can originate over land and sea. Whereas tropical cyclones जो हैं, they originate only over the seas. Okay? और जब भी when they reach the land, they usually dissipate. Clear? चलिए. Moving ahead. Next. अरे श्वेता जी, geography में ये अभी आप देखेंगे last week की session किया था important topics का. तो please आप एक बार वो video playlist में आपको मिल जाएगी, उसे आप लोग देख लीजिएगा, सारे important topics मिल जाएंगे. क्लियर? हां बिल्कुल शिवम, अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP25 ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बताइए. अरे अमित कुमार जी, अब श्वेता त्रिपाठी जी कोई से भी न्यूज चैनल पे आती हो, आप यहां लाइव सेशन में परेशान मत करना, पता चला आप भी खबरों में आ जाओ किसी वजह से. बताइए. बताइए विच ऑफ दीज. देखिएगा स्टेटमेंट. सो हिमांगनी जी, सीएपीएफ और सीडीएस पे एक्सपेक्टेड है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, दी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अडॉप्टेड दी चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन डॉक्यूमेंट. ओके, तो यहां पर अगर आप देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट है, बिल्कुल क्लियर. यहां पे जो COP25 थी, इट वॉज हेल्ड इन मैड्रिड. ओके, और वहां पे इट वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ चिली. क्लियर? सो इट वॉज प्रेसिडेंसी ऑफ स्पेन नहीं थी, इट वॉज प्रेसिडेंसी ऑफ चिली. सो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो तो गलत हो गई. सेकेंड स्टेटमेंट जो है, सेंटियागो नेटवर्क वॉज एस्टैब्लिश एज पार्ट ऑफ द वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म टू कैटलाइज द टेक्निकल असिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज. ओके, तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 92 टू कॉम्बैट ओके द क्लाइमेट चेंज बाय दे आर एमिंग टू रिड्यूस द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर. ठीक है, अब यहां पर सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल ठीक है. दस दी आंसर इज ऑप्शन ए, 1 and 2. ठीक है, ऑप्शन ए 1 and 2 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है, इट वॉज नॉट स्पेन बट इट वॉज चिली. ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो संवैधानिक संस्था बनाई गई थी, ठीक है, संविधान बनाने के लिए, उसे ध्यान में रखते हुए आपको उसके फंक्शंस को कंसीडर करना है. फर्स्ट, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड, रेटिफाइंग इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मे 1947. थर्ड, इट अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947. एंड फोर्थ, इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950. बताइए. अरे प्रतिभा जी, बैचेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है, और नेक्स्ट बैच जो है वो भी शॉर्टली स्टार्ट होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डू गो फॉर दी सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन आप ले लेंगे, उसके बाद यू विल बी नोटिफाइड ऑफ एवरीथिंग. बताइए विच ऑफ दीज. अब देखिए, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात की जाए, ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम देखते हैं फंक्शंस, ओके, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ठीक, क्लियर.
सेकेंड है रेटिफाइंग इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपकी, बट यहां पर 1947 ईयर गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये रेटिफाई की गई थी 1949 में, क्लियर। सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द क्रोनोलॉजिकली इट इज इनकरेक्ट, ओके। थर्ड, इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन July 22, 1947, दैट इज अगेन करेक्ट। एंड फोर्थ, इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24th January 1950, क्लियर, दैट इज अगेन करेक्ट, ओके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर C, 1, 3 and 4, ओके। अच्छा, अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस ब्रिटिश प्रपोजल से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस कराए गए थे, क्लियर। After which British proposal the elections to the Constituent Assembly were conducted? Tell me. बताइए. After which British proposal the elections to the Constituent Assembly were conducted? अरे बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे. By which British proposal the elections to the Constituent Assembly were conducted? अब देखो, हमेशा क्रोनोलॉजी याद रखना, ये एग्जाम में बहुत आते हैं। अगस्त 1940 में सबसे पहले एक आया था अगस्त ऑफर, जिसमें ब्रिटिशर्स ने कहा था कि by the अगस्त ऑफर ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले जिक्र किया था that there will be a constituent assembly with Indian representation, clear, okay। अब elections to the constituent assembly were conducted by the cabinet mission plan, ठीक है, cabinet mission plan जो था उसके बाद constituent assembly के चुनाव कराए गए थे, क्लियर। सो ध्यान रखिएगा कि क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस आफ्टर द कैबिनेट मिशन प्लान एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द डिस्कशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद इंडियन पार्टिसिपेशन वॉज डन आफ्टर द अगस्त ऑफर, क्लियर। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन सनस्क्रीन दैट इज हार्मफुल टू कोरल्स, बताइए, फर्स्ट कंट्री टू बैन सनस्क्रीन, फर्स्ट कंट्री टू बैन सनस्क्रीन दैट इज हार्मफुल टू कोरल्स, बताइए। सो आंसर इज ऑप्शन ए, पलाओ, ओके। पैसिफिक आइलैंड पलाओ जो है दैट इज द फर्स्ट कंट्री टू बैन सनस्क्रीन विच इज हार्मफुल टू कोरल्स, ओके। और यहां पर इस कंट्री में जो कॉस्मेटिक्स में एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीबेंजोन का, ऑक्सीबेंजोन भी बैन कर दिया गया है, ओके। ऑक्सीबेंजोन हैज ऑल्सो बीन बैंड, क्लियर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जुआन डी फूका स्ट्रेट इज द आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन। सेकेंड, जुआन डी फूका स्ट्रेट फॉर्म्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, बताइए विच ऑफ दीज। बताइए, सौम्य, पलाओ, पलाओ जो है दैट इज बेसिकली एन आइलैंड, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट,
युआन डी फूका स्ट्रेट इज द आर्म ऑफ एटलांटिक ओशन. ओके सो ये गलत है, इट इज द आर्म ऑफ पैसिफिक ओशन. ठीक ओके तो ये जो पैसिफिक ओशन की आप देखेंगे, इट इज इन बिटवीन वॉशिंगटन एंड वैंकूवर. क्लियर. इसी के साथ साथ इट इज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन कैनेडा एंड यूएस, ये ठीक है. सो पहली स्टेटमेंट गलत, सेकंड ठीक है. आंसर इज ऑप्शन बी, टू ओनली. ठीक है चलो नेक्स्ट. विद रेस्पेक्ट टू द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बताइए. फर्स्ट, इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया. सेकंड, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन. बताइए विच ऑफ दीज. विच ऑफ दीज बताइए. हिंदी में भी देखिएगा. अरे अश्विनी जी, सबका कराएंगे आज, जो चल रहे हैं पहले उन्हें तो पढ़ लो. आज जो चल रहे हैं वो कर लो, फिर साइंस के जो टीचर हैं वो 9th-10th लेवल का साइंस करा देंगे. ठीक. अरे बिल्कुल मिलेगी अफरोज जी, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी. और अब तो धीरे धीरे आपको ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में भी बुक्स मिल रही हैं. ओके सो नया जो बायजूस एग्जाम प्रेप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है, आप अगर उसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू विल ऑल्सो गेट बुक्स. ओके चलिए, अब यहां पर अगर हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया. बिल्कुल ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सेकंड, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन. सो दोनों स्टेटमेंट यहां पर ठीक है. आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. क्लियर. नेक्स्ट, विद रेस्पेक्ट टू भीम 2.0, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. भीम ऐप जो है, ओके बताइए, विद भीम 2.0 यूजर्स हैज अ ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO. सेकंड, इट सपोर्ट्स 3 एडिशनल लैंग्वेजेस, कोंकणी, भोजपुरी एंड हरियाणवी. ओके बताइए. अरे शिवम जी, यू विल गेट इट ओनली थ्रू सब्सक्रिप्शन. नहीं वैशाली जी, आपको हार्ड कॉपी बुक्स भी मिलेंगी. ओके, इन द कमिंग टाइम्स यू विल ऑल्सो गेट द हार्ड कॉपी बुक्स. ओके, अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि भीम ऐप 2.0 जो है, क्लियर. फर्स्ट स्टेटमेंट, विद भीम 2.0 यूजर्स हैज ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग फॉर IPO. बिल्कुल, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आती हैं, ठीक है, तो वो IPO जो है, वो IPO भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड, इट सपोर्ट्स 3 एडिशनल लैंग्वेजेस, 3 और भाषाएं जो हैं, ठीक है, जो 13 भाषाएं, उनके अलावा कोंकणी, ओके, भोजपुरी और हरियाणवी. क्लियर. अरे वैशाली, सबको मिलेंगी बट इन द टाइम्स टू कम. ठीक है, धीरे धीरे रिलीज होंगी, एवरीवन विल हैव. ओके सो आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. ओके नेक्स्ट, लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन व्हेन. बताइए लिक्विडिटी ट्रैप. लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? ए डियर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक लेंडिंग टू लिक्विडिटी ओवरफ्लो इन द इकोनॉमी. बी व्हेन एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट टेक्स द इन्फ्लेशन लेवल इन द इकोनॉमी टू एन एक्सटेंट वेयर इकोनॉमी स्टार्ट्स डेसिलरेटिंग. सी व्हेन रेट्स एंड रिजर्व्स रिक्वायरमेंट आर लोअर्ड टू स्टिमुलेट डिमांड बट इट डज नॉट इंपैक्ट ऑन रिवाइविंग द डिमांड एंड द ग्रोथ. डी नन ऑफ द अबव. बताइए.
विच ऑफ दीज, लिक्विडिटी ट्रैप बताइए, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर अगर हम देखते हैं, डियर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक लीडिंग टू द लिक्विडिटी ओवरफ्लो इन द इकोनॉमी। ओके, तो बेसिकली अगर हम लिक्विडिटी ट्रैप की बात करते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब होता है कि जब रेट्स और रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर दी जाए, ठीक है, बेसिकली टू स्टिमुलेट द डिमांड, ठीक है, डिमांड बढ़ाने के लिए जब रेट्स और रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है वो कम कर दी जाए, ठीक है, बट इसकी वजह से जो एक डिमांड और ग्रोथ है उसके रिवाइवल पर कोई असर ना पड़े, उसे लिक्विडिटी ट्रैप बोला जाता है। ठीक है, तो जब आप देखते हैं कि रिसेशन देश भर में बहुत एक खराब स्थिति होती जाती है, उस समय पर यह फिनोमेना देखा जाता है। क्लियर? ओके, सो आंसर इज ऑप्शन सी, व्हेन रेट्स एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आर लोअर्ड टू स्टिमुलेट डिमांड, बट इट डज नॉट इंपैक्ट ऑन रिवाइविंग द डिमांड एंड द ग्रोथ। क्लियर? सो आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फर्स्ट, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज आर सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ सेवन शेड्यूल। ओके, तो यूजुअली ये होना चाहिए था सेवन शेड्यूल ऑफ स्टेट लिस्ट, पर कोई नहीं, ग्रामर पर मत जाना, मीनिंग पर जाना। सेकंड, लॉर्ड मेयोज रिजोल्यूशन ऑफ 1882 इज नोन एज मैग्ना कार्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। बताइए विच ऑफ दीज। इनकरेक्ट आपको बताना है, गलत स्टेटमेंट। अरे बिल्कुल दिव्या जी, हिंदी में देखो आप, हिंदी में भी है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज आर सब्जेक्ट अंडर दी सेवेंथ स्टेट लिस्ट ऑफ दी सेवेंथ शेड्यूल। बिल्कुल ठीक है, तो यहां पर जो सेवेंथ शेड्यूल दिया गया है जिसमें यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट दी गई हैं, ठीक है, तो उसी में यहां पर पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट है। क्लियर? सेकेंड, लॉर्ड मेयोज रिजोल्यूशन, अब ये मेयो का रिजोल्यूशन नहीं था, इट वॉज रिजोल्यूशन ऑफ लॉर्ड रिपन। क्लियर? ये रिपन का रिजोल्यूशन था जो 1882 में लाया गया था, विच इज नोन एज मैग्ना कार्टा, और इसीलिए हम लोग रिपन को कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर? इसीलिए इसे, इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ओके, सो आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत पूछी गई थी आपसे। In which of the following Indus Valley sites horse traces were found? बताइए इनमें से कौन सी Indus Valley की साइट पर जो horse remains थे, घोड़े की हड्डियां जो थी वो पाई गई थी, बताइए which of these? बताइए विच ऑफ दीज। ओके,
अब यहां पर अगर देखते हैं तो बहुत सिंपल, यहां पे इट वॉज सुरकोटाड़ा, ठीक है। सुरकोटाड़ा आज के समय पर कच्छ के पास का जो इलाका है, ये इकलौती ऐसी इंडस वैली साइट थी जहां पर बोन्स ऑफ हॉर्सेस, आप ये देख सकते हैं, रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस वर फाउंड, ठीक है। यहां पर जो ओवल ग्रेव्स थी वो भी ओवल थी, ठीक है। इसके साथ साथ पॉट बरियर वॉज ऑल्सो सीन, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि जो हरप्पन कल्चर था वो हॉर्स सेंट्रिक नहीं था, ठीक है, और उसमें एलिफेंट्स राइनोसरस ज्यादा देखे गए थे, उनके बारे में इंफरेंसेस ज्यादा ड्रॉ किए गए थे, ठीक। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सुरकोटाड़ा। ओके, नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रूल, बताइए। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रूल, पहले कौन सी डायनेस्टी आई, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी। बताइए, अब देखिए यहां सबसे पहले लिखा हुआ है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का टाइम कौन सा था, अराउंड 364 BC टू समवेयर अराउंड 321 BC। ओके, क्लियर। इसके बाद यहां पे मॉरन लिखे हुए हैं, मॉरन थे 321 BC से अराउंड 184 BC तक। ओके, शिशुनाग डायनेस्टी जो थी इट वॉज अराउंड 430 BC, ओके, टू 364 BC। ओके, और हर्यंक डायनेस्टी जो थी, ठीक है, दिस हर्यंक डायनेस्टी वॉज अराउंड 545 BC टू समवेयर अराउंड 430 BC। क्लियर। तो यहां पर आप देखिए बिफोर क्राइस्ट एरा में कौन कौन सी डायनेस्टी रही थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, DCAB। ओके, ये एक टाइमलाइन है, पूरा जो मगध रीजन था, मगध रीजन में ये चार मेजर डायनेस्टीज रही थी। क्लियर। नेक्स्ट, दी ऐहोल इंस्क्रिप्शन मेंशंस दी डिफीट ऑफ हर्ष हर्षा बाय पुलकेशिन। ओके, हु आफ्टर दिस बैटल एज्यूम द टाइटल ऑफ वॉट। बताइए, पुलकेशिन ने यहां पे हर्षवर्धन को हराने के बाद क्या टाइटल लिया। बताइए, वॉट टाइटल। वॉट टाइटल, सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, परमेश्वर। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ह्यून त्सांग्स बुक, ओके, इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ द विक्ट्री, ठीक है, और वहां पर ये बताया गया कि ये जो परमेश्वर का टाइटल है वो उनके द्वारा लिया गया था। सो आंसर इज ऑप्शन ए, परमेश्वर। ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट योर आंसर। हुमायूं डिफीटेड शेरशाह एट द बैटल ऑफ कन्नौज इन द ईयर 1540। बायोग्राफी ऑफ हुमायूं वॉज रिटन बाय अबुल फजल। बताइए, सिंपल। बताइए, विच ऑफ दीज। यूपीएससी में ये हुमायूं और उसकी बायोग्राफी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
अब देखो भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट, हुमायूं डिफीटेड शेर शाह एट द बैटल ऑफ कन्नौज, ये गलत है। शेर शाह ने हराया था हुमायूं को, ठीक। बायोग्राफी ऑफ हुमायूं वॉज रिटन बाय अबुल फजल, अबुल फजल नहीं, बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, उसका नाम है हुमायूं नामा, एंड इट वॉज रिटन बाय हिज स्टेप सिस्टर गुलबदन बेगम। ओके, इट वॉज रिटन बाय गुलबदन बेगम, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ओके चलो अगला। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट कमर्शियल फैक्ट्री, अंग्रेजों के द्वारा पहली कमर्शियल फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई। देखो दो अलग अलग चीजें, पहला तो अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापार कहां से करना शुरू किया, और उसके अलावा उन्होंने अपनी पहली कमर्शियल फैक्ट्री जो है वो कहां पर स्थापित की। विच ऑफ दीज, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ये। फर्स्ट कमर्शियल फैक्ट्री, और उसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है, ओके, कि यहां पर पहली कमर्शियल फैक्ट्री कहां से स्थापित हुई। ओके, अब देखिए कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक, ब्रिटिशर्स में आप ये देख सकते हैं कि जब उन्होंने सबसे पहले परमिशन तो मांगी थी सूरत के लिए, ठीक है, परमिशन वॉज ग्रांटेड इन 1608, ओके, बट ड्यू टू पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस इट वॉज विदड्रॉन इन 1609, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अंग्रेजों ने, अब यहां पे सूरत में पहले बैटल ऑफ बॉम्बे लड़ा गया पोर्चुगीज के साथ, उन्हें हरा के व्यापार तो शुरू कर दिया, पर जो यहां पर एक फुल फ्लेज्ड फैक्ट्री के तौर पर स्थापना करी वो करी मसूलीपट्टनम में, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम जो थी वहां से उन्होंने स्थापना करी, और उसके बाद फुल फ्लेज्ड ट्रेड जो था वो करना शुरू कर दिया था, क्लियर। सो आंसर इज ऑप्शन डी, मसूलीपट्टनम। ओके नेक्स्ट, रिगार्डिंग मुगल नोबिलिटी द टर्म तैनात रकाब रेफर्स टू वॉट। तैनात रकाब बताइए, द टर्म तैनात ए रकाब बताइए। ओके, तो यहां पर अगर हम देखते हैं, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नोबल्स स्टेशन्ड एट द कोर्ट, क्लियर। तो तैनात, कई बार आप देखते हैं जो वर्ड है तैनात, उसका मतलब ही somebody who has been posted, deputed, ठीक है। तो ये दो ऑफिसर्स थे, तैनात रकाब और तैनात सुबाजत, ठीक है। तैनात का मतलब जो लोग तैनात रकाब हु वर पोस्टेड टू दी कोर्ट इटसेल्फ, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि देवर बेसिकली अ फॉर्म ऑफ रिजर्व फोर्स विच वर देयर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हु वॉज द मोस्ट रेप्यूटेड डिसाइपल ऑफ शेख फरीद who had seen the reign of as many as 7 sultans of Delhi, the most reputed disciple of Sheikh Farid, bataiye। who was the most reputed disciple of Sheikh Farid,
यहां पर आप ही देखते हैं दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए शेख निजामुद्दीन औलिया. ओके सो शेख फरीद मोस्ट नोटेड डिसाइपल वॉज निजामुद्दीन औलिया. ओके पॉपुलरली नोन एज हजरत निजामुद्दीन हु वॉज अ सूफी सेंट ऑफ चिश्ती ऑर्डर. ठीक है ओके तो ये इनके बारे में कहा जाता है दैट ही हैड सीन द रूल ऑफ सेवन सुल्तान्स ऑफ दिल्ली. ओके नेक्स्ट कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा कृष्णदेव राय. बताइए दी तलुआ डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय राजा कृष्णदेव राय. सेकेंड विट्ठल स्वामी एंड हजारा राम स्वामी टेम्पल वर बिल्ट बाय हिम. अष्ट दिग्गज वर हिज एट मिनिस्टर्स. बताइए विच ऑफ दीज. Which of these? अब देखिए तलुआ डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय यहां पर लिखा हुआ है राजा कृष्णदेव राय. नहीं तलुआ डायनेस्टी जो थी दैट वॉज फाउंडेड बाय हिज फादर नरसा नायक. ओके नरसा नायक. ठीक है ये जो तलुआ डायनेस्टी थी इट वॉज फाउंडेड बाय नरसा नायक. ठीक हु वॉज द फादर ऑफ राजा कृष्णदेव राय. क्लियर तो पहली स्टेटमेंट गलत है. सेकेंड विट्ठल स्वामी एंड हजारा स्वामी टेम्पल वर बिल्ट बाय हिम ये बिल्कुल ठीक है. थर्ड अष्ट दिग्गज वर हिज एट मिनिस्टर्स. तो एट मिनिस्टर्स नहीं थे देवर बेसिकली दी एट स्कॉलर्स. ठीक है एट स्कॉलर्स कम पोएट्स इन हिज कोर्ट वर नोन एज अष्ट दिग्गज. क्लियर so answer herein is option B 2 only. okay next consider the following statements. Warren Hastings set up the Calcutta Madrasa for the study and teaching of Muslim law related subjects. Second Jonathan Duncan started a Sanskrit college at Varanasi for the study of Hindu law and philosophy. Batai which of these. हाँ जी गोग्रीन जी थर्ड स्टेटमेंट गलत है. एट स्कॉलर्स थे. एट स्कॉलर्स एट पोएट्स थे. विच ऑफ दीज. बताइए अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट वॉरेन हेस्टिंग्स सेट अप द कलकत्ता मदरसा बिल्कुल जिसे आप लोग यहां पे आलिया यूनिवर्सिटी बोलते थे. ठीक है मदरसा ए आलिया ये 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया था. सेकंड जोनाथन डंकन स्टार्टेड अ संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी दैट इज अगेन करेक्ट. क्लियर तो यहां पर जोनाथन डंकन हु वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है उन्होंने यहां पर आप ये देख सकते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ संस्कृत वंगमाया. ओके संस्कृत कॉलेज जो था वो स्थापित किया गया था. क्लियर सो बोथ दी स्टेटमेंट्स हियर इन आर करेक्ट. ठीक है दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है एंड आंसर इज ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू. क्लियर चलिए नेक्स्ट. विच इंडियन बिजनेसमैन फेवर्ड हेल्दी कैपिटलिज्म इन हेल्पिंग गांधी जी टू वर्क टूवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्ट. बताइए बताइए विच ऑफ दीज. बताइए विच ऑफ दीज. सो आंसर इज ऑप्शन ए जी डी बिरला घनश्याम दास बिरला. ठीक है
जी डी बिरला जो है ही हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड ही वॉज अ वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ गांधी जी। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि गांधी जी के साथ इन्होंने जो एक इकोनॉमिक लिबरेशन है उसमें भी काम किया था एंड ही हैड सपोर्टेड गांधी जी एक्टिविटीज ऑल्सो। क्लियर, तो हेल्दी कैपिटलिज्म जो है एक इकोनॉमिक लिबरेशन उसमें ही हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर, सो द आंसर इज ऑप्शन ए घनश्याम दास बिरला। ओके, नेक्स्ट द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश वॉज स्टार्टेड बाय हूम, बताइए सोम प्रकाश न्यूज़पेपर जो है वो किनके द्वारा शुरू किया गया था। अरे बिल्कुल रत्ती जी, कर सकते हैं अप्लाई। सोम प्रकाश, सो द आंसर हियर इन इज ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, ठीक है, उन्होंने 1859 में ये न्यूज़पेपर सोम प्रकाश जो थी उसकी शुरुआत करी थी उन्होंने। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये बताइए, आप ये देखेंगे कि यहां पर एडिटर जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा तो शुरू किया गया, ठीक, एडिटर रहे थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। द्वारकानाथ विद्याभूषण जो थे वो यहां पर एडिटर रहे थे। क्लियर, तो आप ये देख सकते हैं कि जो सोम प्रकाश न्यूज़पेपर था इट हैड आल्सो प्लेड अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है, इंडिगो रिवोल्ट जो था उसमें यहां पे आप ये देख सकते हैं कि इंडिगो रिवोल्ट में भी दे हैड कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। क्लियर, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ही इज नोन फॉर हिज फाइट फॉर द राइट्स फॉर वुमेन। ठीक है, वुमेन राइट्स के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी एंड ही हैज बीन अ डोएन हु फॉट फॉर द विडो रीमैरिज। क्लियर, इन्हीं की एक्टिविटीज के बाद 1856 में अंग्रेजों ने विडो रीमैरिज एक्ट भी पास कर दिया था। क्लियर, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज नॉट एनेक्स्ड यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बताइए विच ऑफ दी स्टेट्स वर नॉट एनेक्स्ड यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बताइए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर कौन सी स्टेट यहां पर एनेक्स नहीं की गई थी। So the answer here in is option C, Awadh. Okay, Awadh आप ये देख सकते हैं कि Awadh अंग्रेजों ने 1856 में कर लिया गया था and Awadh was basically the annexation which was done in correlation with the subsidiary alliance. ठीक है, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी रही थी 1848 में जब डलहौजी आया, तो 1848 से 1856 तक, ओके, इफ एनी प्रोटेक्टोरेट स्टेट डिड नॉट हैव अ मेल एयर टू द थ्रोन। ठीक है, इफ एनी प्रोटेक्टोरेट स्टेट डिड नॉट हैव अ मेल एयर टू द थ्रोन देन आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर इट वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। क्लियर, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक, क्लियर, चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अवध। क्लियर, नेक्स्ट, विच वॉर केम टू एन एंड विद द ट्रीटी ऑफ सेल्बाय, बताइए ट्रीटी ऑफ सेल्बाय से कौन सी लड़ाई खत्म हुई थी। बताइए विच वॉर केम टू एन एंड विद ट्रीटी ऑफ सेल्बाय। ट्रीटी ऑफ सेल्बाय साइन हुई थी 1782 में, बताइए
ट्रीटी ऑफ सेल्बाय. ओके, सो द आंसर हियर इन इज ऑप्शन ए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो था इट केम टू एन एंड, जहां पर वॉरन हेस्टिंग्स और नाना फडणवीस जो हैं, ठीक है, दे वर द वंस हु हैड साइंड दिस ट्रीटी. क्लियर. चलो नेक्स्ट, अगला यहां पर देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग एक्सकेवेटेड लोथल, लोथल के एक्सकेवेशन किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी. हु एक्सकेवेटेड लोथल. अरे ओझा जी, क्लास में लेट आओगे तो सिर्फ हिस्ट्री मिलेगी. क्लास में शुरू में ज्योग्राफी भी थी, पॉलिटी भी थी. क्लास में लेट आओगे तो ऐसे ही मिस होंगे टॉपिक्स. ओके, क्लियर. तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एस आर राव. ठीक है, तो लोथल एज अ साइट वॉज एक्सकेवेटेड बाय एस आर राव फ्रॉम 1955 टू 1960, उसके बीच में एक्सकेवेशन हुए थे. क्लियर. सो आंसर इज ऑप्शन ए, एस आर राव. ओके, नेक्स्ट, तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद. तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद. तक्षशिला, तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद. बताइए. तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद. ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन सी, गांधार महाजनपद. ओके, गांधार महाजनपद जो है उसकी कैपिटल थी यहां पर तक्षशिला. ओके, इसके साथ जो अवंती है, ठीक है, तो महेशमती और उज्जैनी, वहां अवंती की कैपिटल थी. ठीक है, महेशमती और उज्जैनी. क्लियर. मत्स्य महाजनपद जो है उसकी कैपिटल थी विराटनगर. क्लियर. और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो छेदी महाजनपद था उसकी कैपिटल थी सोतीवती और शुक्तमती. ओके, ऑल्सो नोन एज शुक्तमती. क्लियर. चलिए, सो आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स एंड बुक्स. ऑथर्स और बुक्स जो है उन्हें मैच कीजिएगा. फर्स्ट, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन, चेंजिंग इंडिया, वी आर डिस्प्लेस एंड पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़. बताइए विच ऑफ दीज, विच ऑफ दीज. ये बुक्स एंड ऑथर्स आपके सभी एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं. The answer is option C. तो brief answers to the big question. Okay, ये लिखी है स्टीफन हॉकिंग ने, 2018 में लिखी गई थी. चेंजिंग इंडिया भी 2018 में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी उनके द्वारा लिखी गई. इसके बाद वी आर डिस्प्लेस्ड इज रिटन बाय मलाला यूसुफजई एंड पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड इज बाय सबा नकवी. क्लियर. नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग बुक्स विद देयर ऑथर्स. बताइए बुक्स और ऑथर्स दोबारा बताइए. ऑन लिबर्टी, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एंड कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम. बताइए विच ऑफ दीज.
विच ऑफ दीज? तो यहां पर अगर हम देखते हैं, ओके, जो यहां पर बुक्स की अगर ऑन लिबर्टी देखें, इट इज बाय जेएस मिल, ओके, इट इज बाय जेएस मिल, 1859 में उन्होंने लिखी थी। इसके बाद टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी इज इजिया बर्लिन, ओके, दैट इज बाय इजिया बर्लिन, ओके। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी इज बाय एफ ए हायक, ओके, एंड कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम बाय मिल्टन फ्राइडमैन। क्लियर? सो द आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहां पर आंसर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 1000 रन्स इन एन इनिंग्स इन एनी कॉम्पिटिटिव मैच। किसी भी कॉम्पिटिटिव मैच की एक इनिंग्स में 1000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे, बताइए। Which of these? Which cricketer? Which cricketer? Okay. So answer is option B, Pranav Dhanavade. ओके, प्रणव धनावड़े जो थे उनके द्वारा बनाए गए थे, एंड इट वाज ऑन 327 बॉल्स दैट ही हैड मेड 1009 रन्स इन एन इनिंग। तो ये एक इंटर स्कूल कॉम्पिटेटिव क्रिकेट मैच था वेर इन ही हैड स्कोर्ड। ओके, चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द विमेन्स इक्विवेलेंट टू द डेविस कप। ठीक है, तो डेविस कप जो कराया जाता है उसमें महिलाओं के लिए उसी के इक्वल कौन सा टूर्नामेंट कराया जाता है, फेड कप, बीएमडब्ल्यू, विजय हजारे और कोपा अमेरिका, बताइए विच वन। विच वन? सो आंसर इज ऑप्शन ए, फेड कप। ओके, तो यहां पर विमेन्स इक्विवेलेंट ऑफ डेविस कप इज फेड कप। ओके, और ये प्रीमियर इंटरनेशनल टीम इवेंट है। ओके, चलिए, तो दीज वर, दिस वाज द पार्ट वन ऑफ द 500 प्लस सीरीज क्वेश्चन। ठीक है, जो 500 टॉप जीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा उसका पार्ट वन था। टुमोरो अगेन विल कंटिन्यू अप विद द सेम। क्लियर? So, आज के सेशन में दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे। इसके अलावा जो PDF है दैट आई विल शेयर इट विद यू ऑन माई टेलीग्राम चैनल शरद्स डिफेंस सर्किट। ओके, सो ऑन माई टेलीग्राम चैनल आई विल शेयर द PDF विद यू। क्लियर? चलिए, और उसके साथ साथ आप लोग अगर CDS, CAPF, FCAT सभी एग्जाम्स की प्लस SSB इंटरव्यू की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो बायजूस एग्जाम प्रेप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम जो है दैट इज द बेस्ट वे फॉर यू। ओके, दैट इज द बेस्ट वे टू फुलफिल योर ड्रीम। क्लियर? तो यहां पर आपको एक ही सब्सक्रिप्शन से रिटन प्लस SSB दोनों की तैयारी मिल जाएगी। क्लियर? तो आज के सेशन में इतना ही। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।